रहे ताल 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 गए हम उस ऑफ रोड वाले रास्ते पे करके एकदम राइडिंग कड़क अपन भाई पहुंच गए चिराग बचा चिराग Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन और वेलकम बैक टू द चैनल. भाई पहले सबसे पहले तो ये देख लो, ये है वो टी शर्ट जो मुझे मिली थी बुलेट के लॉन्च पे, जो बुलेट 350 के लॉन्च पे गया था. तो ये शानदार सी टी शर्ट मुझे रमीज़ भाई के थ्रू मिली थी RR ऑटोमोटिव से, और बहुत ही शानदार गाड़ी है. आपने मेरा पिछला व्लॉग चेक किया होगा, आई होप सो, और अगर नहीं किया है तो भाई फटाफट जाओ, देरी किस बात की, पहले तो वो व्लॉग चेक करो, पर इस व्लॉग को भी पूरा देखना है ना, पूरा देखना. जैसे कि आपने देखा मैंने सामान वामान लगेज ऑल सेट कर दिया है गाड़ी पे. अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कोई लंबी सी ट्रिप की तैयारी है, वेल इसको सरप्राइज़ रखते हैं, है ना. और ऐसा है कि आज मेरे साथ में एक महानुभव और जाने वाले हैं. अब वो महानुभव जो है मैं विक्रम और वो बेताल बन के जाएंगे. तो ऐसा है कि फटाफट अपने बेताल से मिलने के लिए चलते हैं, अपने बेताल को अपनी पीठ पे टांगने के लिए चलते हैं. और भाई ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है, देखना पूरा. और ऐसा है कि भाई ह्यूमिडिटी बहुत है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इंदौर के अंदर. बादल बरसा बिचोली यहाँ नहीं बरस रहा है, पता नहीं क्यों. पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में यार बाढ़ आई हुई है और हमारे इंदौर में पानी नहीं गिर रहा है, बहुत गर्मी हो रही है. और ऐसा करता हूँ फटाफट गेट अप होता हूँ, बाइक पे बैठता हूँ और चलता हूँ. बिकॉज़ क्या होता है ना, घर के अंदर अगर आपको शूट करना है तो पंखा एसी सब बंद करना पड़ता है और गर्मी भयंकर लगती है भाई, भयंकर लगती है, बात मानो मेरी. सो वेलकम बैक अगेन गाइस. हमेशा की तरह व्लॉग की शुरुआत करते हैं बड़ों को नमस्ते, छोटों के सी और साथ वालों को टाइट वाली झप्पी के साथ में. तो फटाफट भाई गेट अप होता हूँ, मतलब जैकेट पहनता हूँ, बाइक पर बैठता हूँ और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आपसे बात करता हूँ. चलिए चल गए घर से. और भाई ऐसा है ना कि ये पेड़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन पेड़ों की छाव में गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है. और भाई ऐसा है कि टिप टिप परसा पानी वाले गाने के से ना अंदर टप टप पसीना बह रहा है, ह्यूमिड काफ़ी है यार आज. पर थोड़ी देर बाइक से ट्रैवल करूँगा तो हवा लगेगी, वेंट्स ओपन कर ही रखे हैं. हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है ना थोड़ा सा स्पेशल है यार, बिकॉज़ क्या है कि अपना एक दोस्त है, अपना एक भाई है जो अपना बेताल है, वो काफ़ी टाइम से अपने पीछे पड़ा हुआ था एक ख़ास काम के लिए. तो आज ऐसा है कि मैंने बोला चल यार आज कर ही लेते हैं वो काम, आज वो काम करके ख़त्म करते हैं, निपटा देते हैं. बिकॉज ऐसा है कि कभी मैं फ्री रह रहा था तो उसको काम आ जा रहा था, और कभी वो फ्री था तो मैं बिज़ी हो जा रहा था. तो चलिए फटाफट आपको मिलवाते हैं उस बेताल से. ऑल राइट भाई, सो पहुंच गया हूँ IT पार्क के चौराहे पे, और अभी तक अपना भाई आया नहीं है यार, पता नहीं कितनी देर लगेगी इसको. विक्रम 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 बेताल ताल ताल, ये आ गया अपना बेताल जो कि है चिराग टंकवाल. हैं रेडी है, एकदम रेडी. तुम रेडी है, रेडी हो कि नहीं हो? सो भाई कहानी ऐसी है कि चिराग जो है ना ये अपना एस फोटोग्राफर है. तो मतलब आप इससे प्री वेडिंग शूट, वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, इसके अलावा बेबी शूट, बेबी शावर शूट, सुहागरात छोड़ के सारी फोटो खींचता है. नहीं नहीं नहीं. सो भाई ऐसा है, सबसे पहली बात कि भले कितनी भी हो दूरी, हेलमेट है बहुत ज़रूरी. तो ये लो, तब अपन लाए थे चिराग के लिए हेलमेट, क्योंकि भाई के पास हेलमेट नहीं था. तो भाई चिड़िया भड़क जो है ना वो एक वाटरफॉल है जो कि खंडवा के रास्ते में पड़ता है, चलते हैं वहाँ. 54 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से. इस पर पैर रखना पहले, ये एक टांग ऊपर करके चढ़ना. तो आज हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे चढ़ा जाए, ठीक है. अब इसको इन दोनों को नीचे कर ले, हाँ गद्दा लगा लो. चलिए दोस्तों, सो 2 घंटे की दूरी बता रहा है यहाँ से, निकलते हैं. जय माता दी, लेट्स रॉक. चलो भाई. सो ये जो खंडवा रोड है ना भाई, पहले ये सिंगल लेन हुआ करता था, मतलब एक ही सड़क थी, और वो भी ऐसी सड़क थी कि आपको
बताने लायक स्थिति नहीं है। इंदौर वाले तो भली भांति जानते हैं उस चीज़ को। और अब तो अच्छी ब्रॉड कर दी गई हैं और सीमेंटेड रोड्स कर दी गई हैं। अब ऐसा है कि चिराग ना काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ़ोटोग्राफी करता है, तो ये बोले भैया आपका ना मुझे फ़ोटोशूट करना है और फुल गेयर्ड अप और फुल पैनियर वैनियर सेटअप के साथ में करना है। बस यही हो रहा था कि मैं मोस्टली बाहर रह रहा था तो इससे मुक्का लात नहीं हो पा रही थी, तो आज हमारी मुक्का लात हो गई। सो फटाफट चलते हैं भाई, और बीच में काफ़ी सीनिक ब्यूटीज आएंगी, दिखाते हैं आपको। Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. कुछ खाते पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखोगे आप, बहुत पुरानी ये मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है, और भैरव सेठ जी कहते हैं इनको। आप ऊपर देखोगे पगड़ी भी है इनके। ऑलराइट, सो भाई फिलहाल रुके थे भैरव ढाबा पे, और ज़्यादा कुछ खाने वाने की इच्छा तो है नहीं, और तो घर से दोनों भूखे निकले हैं, फिर भी बस पानी और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ह्यूमिड ज़्यादा हो रहा है और अपने आप को हाइड्रेट रखना ना फिलहाल सबसे बड़ा टास्क है। पानी पियो, बॉडी को हाइड्रेट रखो और इन्जॉय करो। तो बहुत मस्ती आई, हाँ चुटकी को बहुत मस्ती आई, देखो देखो देखो। सो बहुत सारे मेरे पुराने आर्ट वार ग्रुप के मेरे भाई बंधु होंगे, उनको याद होगा काफ़ी बार हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट राइड के लिए भी आए हुए हैं, पुराने ब्लॉग्स हैं 2016 के। चलो भाई निकलते हैं अभी। 30 किलोमीटर का रास्ता है, पर 30 किलोमीटर के लिए जो है ना एक घंटा बता रहा है पूरा। अब एक घंटा आप समझ ही सकते हो कि भाई एक तो रोड देख लो, सिंगल लेन है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी है, और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा पैच जो है वो हमको ऑफ रोड भी मिलने वाला है। तो अब हमने सोचा है कि डायरेक्ट चिड़िया को भड़काने के लिए चलते हैं, और वहाँ चल के कोई चिड़िया ना भड़क जाए बस। ये लेफ्ट लेना है हमको, चलो भैया मात्र 35 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 17 किलोमीटर है अभी। I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. भाई, so ये पहुंच गए हम उस ऑफ-रोड वाले रास्ते पे, जो कि जाता है सीधा कहाँ, हमको लेके चिड़िया भड़क। देखो भैया ऐसे ऐसे रास्ते हैं, क्या बताए कैसे कैसे रास्ते हैं। सो भाई आ रहे हो तो या तो बाइक से आना, ये अगर आपके पास ऑफ रोडिंग व्हीकल हो तो लेके आना, अदरवाइज़ अगर आपकी गाड़ी वगैरह जो है वो लो ग्राउंड क्लियरेंस की है या फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत है ऊपर नीचे करने में, तो भैया लुढ़क सकते हो। It's an argument or just the start of it. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. All right, दोस्तों, so करके एकदम riding कड़क, अपन भाई पहुंच गए चिड़िया भड़क। So ये पीछे देखोगे आप, क्या शानदार सा नज़ारा है। तो चिराग से पूछते हैं कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग का। बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैं भैया के साथ आया हूँ और लिटरली मज़ा आ गया। बहुत अच्छा, ऑफ रोडिंग भी बहुत प्यारी थी, इतना बढ़िया पत्थर थे कि मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब कई कई जगह तो ऐसी थी कि एकदम ऐसा स्लोप था कि इसको उतरना पड़ गया, ऐसा ऐसा चल रहे थे। बस ऐसे संग तेरे पानियों से बहता रहूँ ऐसा हो रहा था, पानी वहाँ पर है। व्यू देखिए आप, नज़ारा बहुत प्यारा है यार, सीरियसली। फोटोग्राफ्स तो आप देख ही लोगे जो एक क्लिक कर रहा है, रील्स भी हम डालेंगे, इसके अलावा ये वीडियो में भी आपको दिखाएंगे मेरी जान।
ऑलराइट दोस्तों, सो पहुंच चुके हैं चिड़ियाभड़क की मेन उस जगह पर जो कि है यहाँ का खास अट्रैक्शन पॉइंट। पीछे देख रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो भाई साहब, देखो तो सही कहाँ पहुँच गया तुम्हारा भाई। Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. भाई लोग सब बहुत सारी मस्ती करी हमने, देखा होगा आपने वीडियो में। और ये सारी जो मस्तियाँ करी है ना, हमने एकदम अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करी है। तो आप इस तरह यहाँ के हम आपको सजेस्ट नहीं करते। और नीचे पूरे पत्थर थे है ना, सिर्फ हमने कैमरे के पोजीशन को सेट करके आपको अगर जो दिखा होगा तो वो दिखा है। तो कृपया आप यहाँ आए तो इस तरह की कालाकांडी ना करें। चिड़ियाभड़क में हमने चिड़िया तो भड़कती देखी नहीं, पर हमारे अंदर की मस्तियाँ बहुत ज़्यादा भड़क भड़क के आई। भाई ने बहुत शानदार शानदार फ़ोटो खींचे, बढ़िया बढ़िया रीलें हैं, वो आप जाके देख सकते हो भाई इंस्टाग्राम आईडी पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई की आईडी मेंशन है, मेरी आईडी अगर आपको नहीं पता तो लिखी हुई है, जाओ जाके देखो। ये देख लो ये अपनी आईडी है भाई, थोड़ा प्यार मोहब्बत बरसाओ यार। तो ऐसा है कि यहाँ आना तो अकेले मत आना, आ अकेले भी सकते हो, थोड़ा सा ऑफ रोड है, थोड़ा संभल के आना। हमारे पास तो हिमालयन थी इसलिए हम दुकेले भी उसके ऊपर आ गए, पर अगर कोई लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है तो भाई उसकी दोबारा बच जाएगी, उसकी दोबारा बच जाएगी। और ख़ासकर भैया अगर आप हैवी ड्राइवर नहीं हो ना तो अपनी गाड़ी लेके मत आना जब तक आपके पास ड्राइवर कोई एक्सपीरियंस हैवी ड्राइवर होना चाहिए। हाँ, और कोई प्रॉपर ऑफ रोड ना हो, क्योंकि रास्ते खतरनाक है। पर नज़ारा बहुत शानदार है भाई, ये बात तो मैं मानूंगा, व्यू बहुत अच्छा है। जो वो झरना बहता हुआ आ रहा है ना यार, इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा व्यू। और जो ये पहाड़ आपने देखे अभी वीडियो में देखे होंगे कटे हुए, जो कटाव है, मतलब पानी किस लेवल तक आया होगा एक समय में, जो ये पहाड़ इतने कटे हुए हैं उस पानी की वेव की फोर्स की वजह से। तो चलिए, हमने बढ़िया बढ़िया फ़ोटो वोटो खींचे, हमने बहुत सारा एंजॉय किया। होप सो आपको भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चिड़ियाभड़क आना चाहे तो अभी सही मौसम हो रहा है, बिकॉज़ क्या है कि बारिश हुई है तो ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है, पानी का फोर्स भी काफ़ी अच्छा है और आपको मज़े भी आएंगे यहाँ पे। तो आप बैठ के यहाँ थोड़ा चिल विल मार सकते हो, थोड़ा जल्दी आ जाना टाइम पे, क्योंकि ये जंगल वाला एरिया तो शाम थोड़ी जल्दी होने लग जाती है। यहाँ पे शेर के पंजे भी दिखते हैं, यहाँ पर शेर के पंजे दिखते हैं, इसको ही दिखते हैं बस और किसी को नहीं दिखते। लोकेशन सजेशन, हाँ पर लोकेशन थोड़ी स्पूकी है, क्योंकि आपको दूर दूर तक ना कोई बंदा मिलेगा ना बंदे की जात मिलेगी। वो तो हम यहाँ आए थे तो हमें दो तीन मछली पकड़ते हैं भाई लोग मिल गए है ना, तो हम भी सोच रहे थे कि भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो, हमने एंजॉय किया, होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। फॉर व्हाट सो एवर रीज़न अगर यहाँ तक पूरा व्लॉग देखा है तो भाई मेहनत करके आते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं करा तो दबा दो सब्सक्राइब का बटन भाई, और ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। ऐसी बात पे फ़ोन भी आ गया भाई का। तो चलो, आज के इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। हमेशा की तरह ध्यान रखिएगा, एक्सेल योर वरीज, एक्सेल योर सैडनेस एंड इनहेल द हैप्पीनेस। जय हिंद। वो बात अलग है कि अभी ऑफ रोड करते वापस जाना है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else.